अस्सलाम वालेकुम इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ इंडिया को आगे बढ़ाओ। तो आज हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है बायोगैस, बायोमास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग बायोमास क्या है। तो फिर क्या जानवर और पेड़ पौधों से हासिल होने वाले ईंधन को बायोमास कहते हैं। जो हम लोग का जो पेड़ पौधे और जानवर मर जाने के बाद सड़गल जाते हैं तो क्या होता है, काफ़ी अर्सा के बाद, हज़ार साल बाद, वो क्या होता है, फ्यूल में बदल जाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो जानवर और पेड़ पौधों से हासिल होने वाले ईंधन जो फ्यूल हासिल होता है उसको हम लोग बायोमास कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल देख रहे हो, गोबर, लकड़ी, सड़ी गली, बेकार मादे वगैरह, ये सब क्या है, बायोमास की एग्जांपल है। और भी कह सकते हैं डंकेक, बफलू डंकेक वगैरह, ये सब क्या है, बायोमास का एग्जांपल है। आगे देखते हैं बायोगैस क्या है। बायोगैस बायोमास को जलाने से जो गैस निकलती है उसे बायोगैस कहते हैं। बायोमास को जलाने पर जो गैस निकलती है उसे बायोगैस कहते हैं। बायोमास को जलाने से जो गैस खारिज होती है उसे बायोगैस कहते हैं। उसके बाद बायोगैस की फायदे क्या है, एडवांटेज है बायोगैस। नंबर एक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोगैस क्या है, 70-75% उसमें मीथेन गैस पाया जाता है। बायोगैस का कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या है, मीथेन है। वो कितना परसेंट पाया जाता है, 70-75%। क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है। MCQ में सकता है CH4CO2H2O N2O। तो आपको क्या लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मीथेन। मीथेन क्या है, बायो गैस का मेन कंपोनेंट है जो 70-75% पाया जाता है। आगे देखते हैं, बायोगैस से बहुत कम धुआं खारिज होती है। इंपॉर्टेंट इसका बात है कि बायोगैस क्या है, बहुत ज़्यादा कम धुआं खारिज होती है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, बायोगैस मिक्सचर इसका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का क्या है, मिक्सचर है। बायोगैस चार गैसों का मिक्सचर है। नंबर एक तो हो गया हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा CO2N, चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो चार गैसों का मिक्सचर है बायोगैस। बायोगैस कितने गैसों का मिक्सचर है, चार, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। आप लोग इसको उतार लें और आगे दो तीन पॉइंट देखते हैं, बायोगैस का एडवांटेज क्या क्या है उसका, दो तीन पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं। चलो आगे देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट, बायोगैस खाना पकाने में मतलब ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम लोग खाना पकाने में बायोगैस को इस्तेमाल करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, बायोगैस से माहौल आलूदा नहीं होती है, माहौल में बायोगैस से आलूदगी नहीं फैलती है। एंड सिक्स नंबर पॉइंट देखते हैं, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। बायोगैस का जो है कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा, जैसे बायोगैस देखे ना, LPG, मीथेन, ऐसा क्या है, बायोगैस है। LPG एग्जाम्पल हो गया उसका, बायोगैस। आम ईंधन के बनस्पत ये काफ़ी सस्ता होता है, इससे बिजली भी पैदा की जाती है। तो एडवांटेज बायोगैस का मिसाल में क्या लिख सकते, इसका मिसाल में लिख लो, मिसाल में क्या लिख लेना, LPG मीथेन CH4 इसका एग्जांपल है। किसका, बायोगैस का एग्जांपल मीथेन, LPG, ये सब क्या है, बायोगैस का एग्जांपल है। जिससे क्या होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है आम ईंधन के बनस्पत, ये काफ़ी सस्ता होता है और इससे बिजली भी पैदा की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोगैस का एडवांटेज क्या है, उसका इसकी मिसाल क्या है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। इसको बड़ी अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, उतार लिए, आगे दो तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है CBM, कोल बेस्ड मीथेन। ये सब मीथेन हाइड्रेट बोर्ड में पास्ट ईयर्स में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं मीथेन हाइड्रेट, कोल बेस्ड मीथेन क्या है, मीथेन गैस जो है ना हम लोग का, मीथेन गैस CH4, ये कुदरती गैस है। ये क्या है, नेचुरल गैस है जो कोयला की कान पर काफ़ी मिदार में एक परत की शक्ल में जज्ब हो जाती है, जिसको कोल बेस्ड मीथेन कहते हैं। जब क्या होता है, मीथेन गैस क्या होता है, कोयला की कान पर काफ़ी मिदार में एक परत की शक्ल में जमा हो जाती है, जिसको हम लोग कोलबेट मीथेन के नाम दे देते हैं, कोलबेट मीथेन का नाम दे देते हैं। तो कोलबेट मीथेन कुछ नहीं है, क्या है, मीथेन गैस का जमा होना, एक काफ़ी मिकदार में मीथेन गैस का कोयला के कान पर जमा होना क्या है, कोलबेट मीथेन है। तो कोयला के कान में क्या होता है, जो हमारा मीथेन गैस है वो क्या होता है, एक परत की शक्ल में जमा हो जाती है काफ़ी मिकदार में, जिसको हम लोग कोलबेट मीथेन कहते हैं। कोलबेट मीथेन को कोयला के कान से, कोलबेट मीथेन को कोयला की कान से छेद करके पाइप के जरिए निकाला जाता है। कोयला के कान से क्या करते हैं, कोयला के कान में काफ़ी मकदार में एक परत की शक्ल में जमा होते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, ड्रिल मतलब छेद करके उसको पाइप के जरिए निकालते हैं। ये मुख्तलिफ मकसद के तौर पर इस्तेमाल होता है, के लिए इस्तेमाल होता है, वही है कोलबेट मीथेन मादनी ईंधन के बनस्पत बहुत ही ज़्यादा माहौल के लिए दुरुस्त होता है। कोलबेट मीथेन जो है मादनी ईंधन, जैसे वो मादनी ईंधन आपका हो गया डीजल पेट्रोल वगैरह, तो इसके बनस्पत क्या है, बहुत ज़्यादा माहौल के लिए दुरुस्त होता है। उसके बाद देखते हैं मीथेन हाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला बोर्ड में आ चुका है फर्स्ट ईयर में, क्या है मीथेन हाइड्रेट क्या है, MCQ में आया है, MCQ में नहीं, आंसर इन वन सेंटेंस में आया है।
मिथेन आइलैंड क्या है? पोलर खित्ता में, पोलर रीजन होता है ना हम लोग का, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उधर क्या होता है, ये बर्फीले परत के नीचे ठोस मुरकब ठोस बर्फ क्रिस्टलाइन की शक्ल में पाया जाता है। मिथेन क्या है? जो पोलर रीजन है हम लोग का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उधर क्या होता है, मिथेन गैस जो है वो बर्फीले परत के नीचे, बर्फ का जो परत है उसके नीचे ठोस बर्फ क्रिस्टलाइन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम लोग को मिथेन हाइड्रेट कहते हैं। मिथेन हाइड्रेट बहुत क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिथेन हाइड्रेट को फायर आइस भी कहते हैं, फायर आइस। मिथेन हाइड्रेट को क्या कहा जाता है? फायर आइस। फायर आइस किसे कहते हैं? एग्जाम्पल एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फायर आइस, तो आप लोग क्या लिखना है? मिथेन हाइड्रेट। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।